इस वीडियो में बात करेंगे क्या सीए फाउंडेशन के एग्जाम में ग्रेस मार्क्स मिलता है। अभी जो एग्जाम चल रहा है सीए फाउंडेशन सितंबर 2024 का मैथ्स पेपर के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास डाउट आ रहा है, क्या वो उनका मैथ्स पेपर उतना सही नहीं गया है, 36, 37, 38 आ रहा है, 39 आ रहा है, क्या हमें आगे का पेपर देना चाहिए इको का पेपर। देखो कुछ ऐसा कंडीशन है जिसपे आईसीएआई ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि क्वेश्चन पेपर में अगर क्वेश्चन रॉन्ग आ गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, अगर क्वेश्चन बहुत हार्ड आया, डिफिकल्ट है पास करना, तो पासिंग परसेंटेज को मेंटेन रखने के लिए ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। लेकिन ग्रेस मार्क्स का एक और कंडीशन है कि कभी कभी ये भी देखना पड़ता है कि आपका लक भी आपके साथ हो। अब ध्यान से बातें को सुन लेना, अभी आपको यही कोशिश करना है। मान लेते हैं आपका 3 पेपर को अच्छा गया, एक पेपर में आपको लगता है 1 से 5 नंबर से फेल कर जाएंगे, तो आपको करना क्या है, कोई 3 पेपर मिला करके आपको 200 कंप्लीट करना है, तीनों पेपर का मार्क्स मिला करके आपको जितना आ रहा है, तो एक पेपर में 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर से अगर आप फेल होते रहोगे तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। मैं ये गारंटी से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन चांसेस ज्यादा हो जाता है कि आपको वो पेपर में पास कर दिया जाता है ग्रेस मार्क्स देकर के। देखो ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड मैं चाहता तो एग्जाम के बाद वीडियो बनाता, लेकिन हमारे पास इको का पेपर है ना, अभी भी आप लोग अपना एग्रीगेट को सही कर सकते हो। जो बच्चे सारे पेपर में भी पास उनको लगता है हो जाएंगे, लेकिन एग्रीगेट नहीं बन पाएगा, तो देख क्या रहे हो, कोशिश करो ना इको पेपर में 60-70 प्लस आपको मार्क्स आ जाए, उठता है नंबर, इकोनॉमिक्स के पेपर में उठता है नंबर, 70+ 80+ का टारगेट करो। जब आप उतना कर लोगे ना तो आप पास कर जाओगे। हो सकता है कि आपको 1-2 पेपर में 1 नंबर से, अगर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से फेल भी कर रहे होंगे, एग्रीगेट नहीं बन पा रहा, तो ऐसे में ग्रेस मार्क्स मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे भी लक फैक्टर है, बहुत सारे को मिलता है, कुछ ऐसे भी बच्चे जिनको नहीं मिल पाता है, तो लक भी उसी का साथ देता है जो मेहनती और परिश्रमी होता है। तो आपको करना क्या है, अभी से कोशिश करना है कि इको पेपर को बेहतरीन बनाना है। अभी ये डाउट नहीं पूछना है कहीं पे भी, 38 आ रहा है, 39 आ रहा है, 39.25 आ रहा है, 39.75 आ रहा है, वो सब चीजें सबको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। आपको रिलैक्स रहना, लेटेस्ट वेबिनार नहीं पहले के वेबिनार में डिस्कस किया कि सीए के एग्जाम में ग्रेस मार्क्स मिलता है, आपको करना क्या है, 39.25, 39.7075, माफ करना 39.50, इन सबको ना राउंड ऑफ करके 40 कर दिया जाता है, रिलैक्स रहो। जिनका 38-39 ऐसा बन रहा है या 37 बन रहा है, तो वो लोग भी रिलैक्स रहे, पूरा का पूरा ध्यान इको पेपर पे दो, जो पेपर जैसा जाना था वो जा चुका है बच्चों, बस आपको रिलैक्स होकर के अच्छे मन से इको पेपर का ध्यान देना है, इकोनॉमिक्स को अच्छा करोगे तो आप लोग पास कर जाओगे। और हाँ बच्चों, ग्रेस मार्क्स में थोड़ा बहुत लक मैटर करता है, लक भी आपके फेवर में होना चाहिए तभी जाकर के ग्रेस मार्क्स मिलता है और आप पास करते हो। लास्ट में छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे ही सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास करते हो उसके बाद सीए इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना होता है। बच्चों अभी तक चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। अगर रजिस्ट्रेशन में गलती कर देते हो, देन अगर डायरेक्ट एंट्री से चले जाते हो, ऐसा कुछ भी गलती कर देते हो, तो आपको टिकट रेज करना होगा, 10-15 दिन इंतजार करना होगा, बिना मतलब परेशान होगे, इससे बेटर है सब्सक्राइब कर दीजिए।